उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो चुका है, जो लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें, जो लोग पुराने बसे हुए हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी इस विषय को देखने और अध्ययन करने का काम करेगी, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक अवैध अतिक्रमण खत्म नहीं हो जाता, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी, वो कमेटी भी देख रही है। लेकिन जहां पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में, जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने हटाना है, इस प्रदेश से अतिक्रमण हटाना। और आप लगातार देख रहे हैं, विकास नगर में नदी किनारे हमने 600 घरों पर बुलडोजर चलाया, जो अवैध रूप से बने हुए थे। और इसी प्रकार किसी भी नदी के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करेंगे, प्रत्येक नदी को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। मान आया है कि जल्द से जल्द नदी नालों के किनारे बसे हुए लोगों को हटाया जाएगा या उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। बहुत आसान काम है, कर भी दीजिए, लेकिन समय रहते करते तो अच्छा रहता। अब मानसून सर पर है, तब आपको सूझी है घर से बेघर करने की लोगों को। और यहाँ तो बेमौसमी बरसात ने कहर बरपा रखा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। लेकिन सरकारें किस लिए होती हैं पता नहीं। आप ही की सरकार भी शामिल थी जब उनको बिजली के कनेक्शन दिए गए, सड़कों का जाल उनके घरों को बिछाया गया, पानी के कनेक्शन उनको दिए गए, उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटी सेंटर्स तक खोले गए। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अक्टूबर 2024 से पहले इनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। ऐसे में धामी सरकार किस नियम, किस कानून के तहत उनको बेघर करने जा रही है या अतिक्रमण ध्वस्त करने जा रही है, ये समझ से परे है।